स्वागत है आपका एक बार अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज फिर एक बार ज़िंदगी की शाम कुछ खास मौके और ख़ास पल के साथ है। तो दोस्तों, आज मैं इस पावन से जंगल में आया हूँ सांपों को रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि सावन का महीना जस्ट सामने है। तो ऐसी स्थिति में इनको रिलीज़ कर देना जल्द से जल्द बहुत ज़रूरी है। तो आज ऐसे ही कुछ कोबरा सांप, यानी कि जो हमारे भारत का बहुत ही जहरीला है, उसको जंगल में लेकर के आ चुके हैं। आप नज़रें जमा के रखिए, कोशिश करेंगे आज कुछ बताने के लिए, क्योंकि बहुत से ख़तरनाक हैं। ऐसे में मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि दोस्तों सबसे ख़ास बात यह है कि दो दिन यानी कि 24 घंटे के अंदर तकरीबन एक रात भी मिला करके हमने एक साथ 7 सांपों का रेस्क्यू किया और वीडियो आपको दिखाया भी, रिलीजिंग नहीं दिखा पाया। तो सामने सावन का महीना है, ऐसी स्थिति में मुझे ये चाहिए और ये मेरा कर्तव्य बना कि हम इसको जल्द से जल्द सावन से पहले ही रिलीज़ कर दें। तो आपकी नज़रें हम पर जमी रही, अच्छा लगा, हम रिलीज़ करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, सावन की खास इस पावन महीने में एक साथ 7 कोबरा का मैं रिलीजिंग दिखाने के लिए आया हूँ जंगल में, और भी कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। ये तो बड़े ख़तरनाक हैं दोस्तों, तो उसी के सिलसिले में दोस्तों एक ये भी है। तो ठीक है दोस्त, तुम जा सकते हो, जाओ, एक बार स्वागत है तुम्हारा, ठीक है, ओके, चलो भाई बड़ा वाला दिखो, ओके, थैंक यू। दोस्तों ये फिर 3 स्नैक हो गए, तो फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत ही जहरीला एक बार पुनः। तो दोस्तों एक बार फिर इसको भी देखा जाए, ये भी भागना चाहता है, इसे भी छोड़ दिया जाए, खड़े नहीं हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं। ओके दोस्तों, दिखा जाए, ये भी जाना चाहता है और ये भी, इसको मैं जंगल में रिलीज कर दिया दोस्तों, जाए वो भी बड़े शौक से। और फिर बारी आ गई है इस बार चौथे या पांचवें की, तो काफ़ी भारी भरकम का एक बार फिर कोबरा स्नैक, ठीक है, ये बहुत ही जहरीले हैं दोस्तों, ये बड़े ही खतरनाक हैं, पर ऐसी स्थिति में हम समझ रहे हैं इनका मन, ठीक है, तो देखते हैं। तो ये तो
ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि जाए। गणेश पापा को एक साथ एक्टिव करना आए भैया। तो ठीक है दोस्तों, और मैं और ये जाना चाहता हूँ दोस्तों, तो जाए क्या बात है, एक साथ होता निकल कर तो दोस्तों एक स्नैक और बचा हुआ है। जिनको हम एक साथ तो दोस्तों ये काफ़ी खतरनाक और गुस्से में है। ये भोले बाबा को काफ़ी प्रिय है। हम इन्हें जंगल में थोड़ा सा परेशान क्या किए, इनको भी थोड़ा आनंद आ गया और हमको भी आनंद आ गया। इसमें बड़ी खुशी की बात ये है दोस्तों, एक कोबरा स्नैक और है, तो जिनको हम एक बार फिर से जंगल में रिहा करना चाहते हैं। ये पावन जिससे मैं जंगल में आज रिलीज कर दिया, इनको रिलीज करके काफ़ी सुकून मिला। तो चलिए ठीक है, हम इनको भी छोड़ देते हैं और इसका चाहते हैं कि जंगल में जाएं। बहुत खूब, ठीक है सर। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को करीब से दिखा दिया जाए। भूल ही गए तो शायद है कहीं कहीं आप बस जाएंगे, तो ऐसे में आप भाग और मौत आपका साथ देगी, मौत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती दोस्तों। तो सबसे खास बात ये है दोस्तों कि ये काफ़ी दूरी था बेचारा, काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों एक निवेदन करूंगा आप लोगों से हाथ जोड़कर कि इस तरीके का वीडियो देख करके किसी तरीके से आप स्टंट ना करें और ना ही इनको कैच करें, ना ही इनको पकड़ें और ना ही इनसे छेड़छाड़ करें, क्योंकि ये दोस्तों काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। और अगर हम कहीं गलती से देख करके, ये हमारा वीडियो देख करके अगर हम आप गलती करते हैं, तो ये एक ऐसे सांप हैं जो हमारी आपके जान प्राण ले सकते हैं। तो दोस्तों इससे बचना हमारा परम कर्तव्य बनता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना है दोस्तों। पसीना पसीना हो गए इन लोगों को रिहा करते हुए, क्योंकि देख करके छोड़ना पड़ता है कुछ बता करके और थोड़ा दिखा करके। रिहा करना अच्छा लगा। बहुत अच्छे, शाबाश, ऐसे ही एक्सरसाइज करो, रियाज करो, ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे दोस्त, और आपकी मोहब्बत से हम आगे जाएंगे। लेकिन इतना भी आगे मत भेज देना कि फिर वापस ना पाए। आने के लिए चूहा वहाँ पर मौजूद रहता है। तो दोस्तों चूहों को खाने के लिए ये कोबरा स्नैक हमारे आपके घरों में अक्सर प्रवेश कर जाते हैं। क्या बात है, अस्थाई एकदम खड़े हो गए, जरा से भी हिलना सख्त मना है। डिब्बा बहुत खूब दोस्तों, भाई करने का एक बार ऐसे करने का, एक ले लेने का इसी की, बहुत खूब, इसके बाद यहाँ कर देने का। यही तो चाहते थे दोस्त। दोस्तों यही हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और इनके साथ ही बैठा गणेश है। अच्छा लगा हो एक कमेंट जरूर करिएगा, इतना प्यारा कमेंट करिएगा, मज़ा आ जाए। दोस्तों जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे एक हौसला मिलता है, बड़ी ताकत मिलती है। तो दोस्तों सबसे खास बात यह है, एक इंसान होने के नाते हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि हम जीवों पर दया करें और जीव हत्या बंद करें। ऐसे सांप हमारे आपके घरों में अक्सर अगर दिखाई देते हैं, हमें आपको ये चाहिए कि ऐसे सांप को पकड़वा करके, उनको रेस्क्यू करवा करके जंगल की तरफ रिलीज कर दिया जाए। तो दोस्तों कहते हैं चार वेद छः शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख देने दुख होते हैं और सुख देने सुख होए। हम इनको अगर दुख देंगे तो हमको भी दुख कहीं ना कहीं पहुंचेगा।
तो ऐसी स्थिति में हम इनको जंगल में रिलीज करके दोस्तों काफ़ी हमको सुकून मिलता है, तो हम इनको आज रिलीज कर दिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो जीत चाहता है किस करके दिखा दूँ, तो करता है और दया भी करता है। तो दोस्तों फिर एक कोबरा सांप जाता हुआ जंगल की तरफ, ऐसा ही एक एक करके हमने आज यहाँ पर साथ साथ एक साथ स्नेक को मैंने लेकर के आया था और रिलीज दिखा दिया। अच्छा लगा दोस्तों।